कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार दोस्त होते हैं, मगर हमारे आसपास हमेशा ही कुत्ते और कुत्तों की नस्लों के बारे में भ्रांतियां फैली हुई होती हैं। कहा जाता है चिहुआहुआ जो कि स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है, उसके काटने की संभावनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा होती हैं, तो वहीं पिटबुल जब किसी को काटता है तो अपने जबड़े लॉक कर देता है। मगर ये सारी बातें सिवाय फैलाए हुए झूठ के सिवा और कुछ नहीं। और आज आपको कुछ ऐसे ही गजब के कुत्तों के बारे में बताएंगे जिनका बाइट फोर्स शेरों से भी ज्यादा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, शेरों से भी ज्यादा। जहाँ जंगल का राजा शेर की बाइट फोर्स 650 PSI होती है, वहीं कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जो इनसे बहुत आगे हैं। आप चाहें तो हमारी इन्फॉर्मेशन को गूगल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह की बिग कैट बाइट फोर्स पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 14, बॉक्सर। बॉक्सर एक बड़ी और एथलेटिक डॉग ब्रीड है जो दिखने में बहुत खूंखार लगते हैं अपने साइज के कारण, मगर ये इस बाइट फोर्स लिस्ट में सबसे पीछे हैं। जिसके नाम में ही बॉक्सर जुड़ा हो, उस रेसलर ब्रीड के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने नाम की तरह किसी को भी सीरियस डैमेज करने में काबिल होते हैं बॉक्सर ब्रीड, और अपने घातक हमलों के निशान पीछे छोड़ जाते हैं। और वहीं बॉक्सर की बाइट फोर्स अब तक 230 PSI रिकॉर्ड की गई है। नंबर 13, पिटबुल। पिटबुल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली डॉग ब्रीड है, और पिटबुल दुनिया में अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा बदनाम भी है। काफी कंट्रीज ने पिटबुल नस्ल को पूरी तरह से बैन किया हुआ है, जिस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। पिटबुल टेरियर जितने गुस्सैल होते हैं, बाइट फोर्स में उतने ही पीछे होते हैं। लिस्ट में भले ही ये पीछे हो, मगर किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। अब तक पिटबुल की बाइट फोर्स 235 PSI रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। नंबर 12, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड हमेशा अपने लुक्स और स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता रहा है, और हमेशा पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में अच्छे स्थान पर ही रहता है। भारतीय सेना में भी काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जर्मन शेफर्ड बहुत हद तक बेल्जियन मेलानोइस और डच हाउंड की तरह दिखते हैं, मगर जर्मन शेफर्ड बाइट फोर्स में इन दोनों से बहुत आगे हैं। जर्मन शेफर्ड की बाइट फोर्स अब तक 238 PSI रिकॉर्ड की गई है। नंबर 11, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग एक टाइप के पिटबुल फैमिली से बिलोंग करने वाली डॉग ब्रीड है, जिसे पुराने समय में बुल बेटिंग के लिए ब्रीड किया गया था। अमेरिकन बुलडॉग एक लार्ज साइज की नस्ल है। अगर आपके पास एक अमेरिकन बुलडॉग है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसका गुस्सैल बर्ताव आपके सामने आए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये काफी होते हैं, और इसे ठीक तरह से ट्रेन ना किया जाए तो ये आपके लिए बहुत फैमिलियर डॉग नहीं है। अमेरिकन बुलडॉग इस लिस्ट में किसी से कम नहीं है, मगर बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसकी बाइट फोर्स अब तक 305 PSI रिकॉर्ड की गई है। नंबर 10, रॉटवाइलर। आमतौर पर रॉटवाइलर, पिटबुल और जर्मन शेफर्ड को सबसे ज्यादा बाइट फोर्स वाला डॉग समझा जाता है, जो बहुत हद तक इनके लुक और लोगों से मिली इनकी पॉपुलैरिटी हो सकता है। मगर इन तीनों में सिर्फ रॉटवाइलर ही एक ऐसी नस्ल है जो टॉप 10 बाइट फोर्स में जगह बना पाया है। रॉटवाइलर एक गजब की नस्ल है, जिसे ठीक से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, वरना ये नस्ल किसी को भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी बाइट फोर्स लिस्ट में 328 PSI के साथ ये नंबर 10 पर है। नंबर 9, लियोन बर्गर। लियोन बर्गर एक जेंटल जाइंट डॉग ब्रीड है, जिसे ओरिजिनली ब्रीड भालू और भेड़ियों से घर की रखवाली के लिए किया गया था, और आज के समय इन्हें वाटर रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डूबते हुए लोगों की ये जान बचाते हैं। हालांकि भारत में इस नस्ल को ज्यादा पहचान नहीं मिली है, मगर यूरोप कंट्रीज में इसकी खासा डिमांड देखी जाती रही है। लियोन बर्गर अपने बड़े साइज के साथ 399 PSI बाइट फोर्स जनरेट कर सकते हैं, और हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8, बोरबेल। बोरबेल साउथ अफ्रीका की एक नस्ल है, जिसे फार्म को प्रोटेक्ट करने और अपने मालिक को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ब्रीड किया गया था, और बोरबेल को लॉयन ब्लड ब्रीड भी कहा जाता है, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट डॉग ब्रीड भी है। बोरबेल एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, जिसे पालने के लिए आपका अनुभवी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये भौंकते हैं तो किसी को भी डरा सकते हैं। ऐसे में यदि मालिक ही इन्हें संभाल नहीं पाए तो बेचारे इनका क्या कसूर होगा। वैसे बोरबेल की बाइट फोर्स अब तक 450 PSI रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इसका सेकंड पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाली डॉग ब्रीड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप उन्हें मिस मत कीजिएगा। सेकंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।